अरे गांव में काटा वाटा देखो यहाँ पांच चार में ला भी जाए गांव के लिए, क्योंकि सरपंच बने तो ही फार्म भरीजे, उप सरपंच बने तो ही फार्म भरीजे, वार्ड पंचा का भी फार्म भरीजे, अपनी फदड़ पंच को घटे ही कोनी भरीजे, वो मत्ता ही बने खुद ही खड़े हो, वे भी कोई गांव का करे भी कोनी खड़े हो, कहले तू फदड़ पंच बन गया। अच्छा ना विरोध और वे भी के सामने और कोनी खड़े हो कोई, और एक सबसे मोटी बात आ है कि फदड़ पंच जीतते ही है हारे को निकना ही, और फार्म रेड़ता हार सके पर फदड़ पंच जीतते ही है, क्यों के वो ना विरोध हुए मैं के सामने खड़े होगा नहीं मैं कोई। तो गांव में काट्यो बाट्यो नहीं रहनो, प्रेमी सजनो सम्मान की नजर सु रहनो चाहिए। गांव में एक जना के सगो आयो जो आतो ही गट्टा गंद कुटीज गो, अब सगो कट्टा गट्टा के कंद कुटीज सगाड़े घरांगी हो ना सगोस काट्यो बाट्यो हो सामलो, अब काट्यो बाट्यो कहीं टेंटी जब होते एक तो या तोरो चढ़ाइडो रखे लाला करेड़ी रखे, अब सगो कुटी इधर सगाड़ा घर पुगो ना सगो जाता ही समाचार पूछा जी ताको ओ हुलियो कुण बनायो, वो बोले यार तेरो गांव बड़ो नुगरो है, तेरो गांव बड़ो नुगरो है, मन तो गट्टा के नहीं कूट लियो। जना वो सगो कह साम लो, बोलो इं क्या कूट लियो, थे मारो नाव कौन लियो मैं फलाण जी को सगो हूं, बोले लियो थारो नाव तो दोबारा बुलार और कुट्यो रे, थारो नाव ले बहू दो बार कुटी जो, जे थारो नाव नहीं लेतो ना मैं फलाना को सको हूं तो मैं एक बार में ना को कट जा तो मारो मन कहटा तू गांव में लाल क्या करेड़ी रखे, क्योंकि लाल आंख भी ऊपर लागो माए मेलेड़ो है ना डीएनए में, जड़ा ही वह करेड़ी को नहीं आकरे, अब जोरा माती करे भी को उपाय का ही है, क्योंकि एक गादड़ो है जो नार ने शिकार करता देखे हो, अब वो नार गाई करे पहले तो पूछड़ी में बड़ गालियो और पच लाल करी और शिकार पर पड़ो कीड़े कर जो शिकार कर ली, नार को तो काम है शिकार करवा को, क्योंकि भगवान बिन बिणजी आ चीज, अब आ चीज कहीं एक गादड़ो देख ली, वो गादड़ो सोचो रे रोजिना लोगों का मारेड़ा खावा, वो तो सोरो ही काम है पूछड़ी में तो बड़ गालनो है अरे लाल करनी है अल्लाह शिकार, अपन तो दिन ध्यान ही को नहीं हुआ फालतूपणा में बैठे, अब वो गादड़ो गयो गादड़ी के कने घुरी में जार भी गादड़ी ने कहबा लागियो, बोले ए गादड़ी कहीं अब माई बैठी है, बोले आज मैं नहीं धंधो सीखे हूं, बोले कहीं सीख रहे हो शानो, बोले शिकार कर बो सीखे हो, जेना बोले और ही शांत रो काम है, अता दिन लोगों की करेड़ी लुक लुक कर खाता, आज घर को धंधो सीखे अब बड़ो खुशी को माहौल है, तो बोले चाल शिकार करवा चला, अब जंगल के मायने शिकार करवा गया जो एक ऊंट चरे, अच्छा ऊंट भी कौन सो मैयो, मैयो का ने बोले जो टोला को राजा वे बिन मैयो किया करे, अब वो कांकड़ी खारियो बाड़ के सर हुआ वो गादड़ो कहीं के गादड़ी ने बोले देख पूछड़ी में बड़तो मंगा लियो पर खुद की आंख खुद ने कौन क्या करे कद और शरीर का संग देख सका पा बाकी आंख ने देख को नहीं सके, ऊनली आंख ऊनली नोर को देख सके, कोई कांच में तो देख ले तो बात अलग है भाई, आंख ने आंख दिखे को नहीं, वो गादड़ो बोले मेरी लाल आंख उजाए जना तू मन बता दीजिए जो शिकार करा, अब वो पूंछड़ी में बड़ गाल प्रेमी सजनो जोर करे, और गादड़ी ने पूछे कहीं होगी क्या लाल आंख, गादड़ी कह सियाणो हाल तो धोली धपी पड़ी है कौन नहीं हुई, गादड़ो और जोर करे पहुंचड़ी में बड़ गाले और पूछा कहीं उगी के लाल आंख, बोलो शानो एकदम रसगुल्ला की जात पड़ी है धड़ी धप थे तो डोरो मंडियो हाल तो, गादड़ो मन में विचार करो त्या वो जातो रे शिकार, तो गादड़ी ने कहवा लागे बोले लाल आंख गेला मुँह बो कर सी, बोले मैं तो पढ़ू किड़कार भी ऊंट के ऊपर जिया किड़कार पड़ो और ऊंट तापड़ काटो आगला टांग की दे बिन तो कहे तापड़ और गेल की ने बोला है लात, जिया ही वो ऊंट भी कहे तापड़ की दी जिया गिंडी के बल्लो किया दिया करे है 20 फुट आंतरे जातो पड़ो और प्रेमी सजनो बागर बा गादड़ी करने गई और गादड़ा ने देखियो और देखता ही गादड़ी कहे बोले अब का होगी लाल आंख, बोले अब होगी हुई जी तो चौकी मन तापड़ की खार पच हुई है तो भगवान की बिड़ी आंख दूसरी वे
तो कहे बावड़ा संसार के मायने मनुष्य की देही पाई है तो यहाँ काट्यो बाट्यो नहीं रहनु। अरे फालतू की लाला की हम क्यों ही पढ़ो को नहीं है। कभी ब्राह्मण होकर वेद नहीं जानी वो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी क्या। जलम ब्राह्मणा के घर लेवे अरे तित पूछ जना मंगलवार बतावे बेबी जलमिया बिन जलमिया बराबर है। क्यों कि कोई चीज को ज्ञान नहीं है। साधु होकर त्रिया राखे वो साधु तपधारी क्या। साधु कर लुगाई के मेल हुए ही को नहीं। साधु बोई है कि जखा के बडाई ने बिछुन जैसी कीर्ति कलंक जैसी नागिनी सी नारी है ऐसे संत मिले तो वंदना हमारी है। जखा संत की अगर कोई बडाई करे तो कह बिच्छू का सा डंक लागे। संतान बडाई की जरूरत को नहीं हुआ है। कीर्ति कलंक जैसी अगर संत की कोई कीर्ति कर रही है तो वो कलंक के समान समझे। नागिनी सी नारी है नागिन के समान नारी ने समझे। ऐसे संत मिले तो वंदना हमारी है। इन को अगर संत मिले ने जना तो प्रेमी सजनो धोग दे बामी फायदो है। नहीं आजकल साधु तो कमर सुवादु ज्यादा हाँ शीरा की सुगंध पर बैठ बड़ा क्योंकि माइन अगन तत्व तो मरे को नहीं। और यहाँ कहे वो ऊपर लो नाको पकड़ी जे को नहीं। कहने दिल लग्या नहीं सत्संग में ठग बनिया फिरे हे ब्रह्म ज्ञानी टोकी लागेड़ी राके। जठे तानी कहे अगन तत्व नहीं मरे। अगन तत्व जानो कहीं वे अगन तत्व वो है कि जगा को माइनू क्रोध नहीं मरेडो बने। जठे तानी संतपणु को नहीं वे। अरे यहाँ थोड़ो सो खारो बोलता ही रूंगान चिरमी दिखाई जाने बियान को माहौल बनावे ना वो संत नहीं हुए। अरे अगंत तुवे कदम रे के जद दस धर्मा को पालन कर ले वे तो थारो अगंत तुवे मर जावे। तन क्यों ही धारण करबा की जरूरत को नहीं है। गृहस्थी में भी संत हुए अरे बहुत सा संत व्या है। जखाने न खटे जाबा की जरूरत है न खटे बैठबा की जरूरत है। कभी ने रमता जोगी ने मारा आदेश देना जठे खोजे जठे ही पाया है लोय। जठे खोजे जठे ही कणकण में भगवान है तो बावड़ा फिर बा डोलबा की खटे जरूरत पड़े है। तो भाई दस धर्म कुण सा बताया कभी कि बंक को पालन करे तो कहे थारो अगन तत्व मर जावे अरे मिन खा दे तेरी सार तक हो जावे। शील संतोष तपदान दया धर्म समान अस्मा अहिंसा मृदु वचन ए दस धर्म ग्रस्ती के जाओ। देखो कभी शील संतोष तप दान दया धर्म समान अस्मा अहिंसा मृदु वचन ए दस धर्म ग्रस्ती के जान। ए देखो मिन का दे का दस धर्म है प्रेमी सजनों ध्यान लगा सुनवा की बात है कि भाई दस धर्म कौन सा है। कि पहलो धर्म है शीलवान आदमी को चरित्र जोर को उड़ू। दूसरो धर्म है संतोष जतो भगवान दे दियो भी मैं संतोष रखे। ए दूसरा का ट्रैक्टर की गाड़ियां का हॉर्न सुन सुन रेशा सुन सुन खून बाड़े है ना अचोखी बात को नहीं है। क्यों के मोटर गाड़ियां के तो कंपनी मीटर लगा रहे भेजेगा कत्तो डीजल बड़गो और कत्तो रेगो। ये आदमी को खून बड़े नहीं को ठावर गंद पड़ेगा बड़गो कत्तो। क्यों मीटर कौन लागेड़ो। अच्छा मीटर जरूर लागेड़ो पर भी समझ वाला समझे। और चेहरो वे ना चेहरो आ दिल की किताब हुए दिल की जगह बात हुए बात चेहरा पर मंड जी अगर अपन पट बड़ो चाहे। तो जतो भगवान दे दियो भी मैं संतोष रखे। निर्धन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुखी। राजा को है भारी राजा कहे महाराजा सुखी महाराज कहे सुख। इंद्र को है भारी इंद्र कहे विष्णु सुखी विष्णु कहे सुख। संतान है भारी पर संति कहे एक संतोष बिना सब जीव है दुखियारी। मायने संतोष नहीं है जना सारो संसारी दुखी है। एक दूसरा देख देख रे भाई मारना हो तो बो ठीक है बो के मारना बो ठीक है। इस टाइप को माहौल नहीं राखनो। जतो भगवान दियो है बिम संतोष राखनो। शील संतोष तप मिनखा देई मैं
तप होनो चाहिए। दान जती कमाई करे भी मुंह दान भी करे, दया धर्म समान, मिनखा देई में दया होनी चाहिए। कि सब जीव जंतु में जिसको है नहीं दया, ब्रह्मानंद व्रत नेम पुण्य दान क्या करे। धर्म समान एक धर्म का मार्ग पर चाल बड़ो, ऐ धर्मी नहीं होना चाहिए। मिनखा देई पाई है बावड़ा थारो सनातन काई है, भी के अनुरूप तू चाले और धर्म की पालना करे, ऐ धर्मी नहीं होनो आदमी। दया धर्म समान, एक सामला को सम्मान करे, खुद को सम्मान भी करवावे। एक वह कड्यो बड्यो जो न तो खुद को सम्मान करवावे न सामला को करे। अब सामला को नहीं करे देना तो खुद को घटू है, कहने रख पत राख रखा पत, जसी तू राख सी जसी तन पाछी मिल सी। रिप्या पिसा धन दौलत बेटा पोता ए पापी के भी हो सके, पर कहवे एक तो आ सत्संग और एक संता को आवगमन, हरि की कथा ए बड़ा दुर्लभ है। इस संसार के मायने के जगह को ना हो है ने, आज तक नहीं सुनियो कि कोई को बेटा के कारण ना हो, कोई बेटा को बाप के कारण ना हो। करनी खुद की काम करे कि सुत होत बड़ो अपनी करनी, बाप आलो काम को नहीं आवे और बाप के बेटालो काम को नहीं आवे। अब नाव तो मीराबाई को ही है, मीराबाई के बेटो थोड़ी हो, ओ माया जाल है आ भगवान की, यानि की माया चीगटी कर गिरेड़ी अपने बीच में के सगड़ा एक ही धार लाग रहा है। तो कभी बावड़ा मनुष्य की देई पाई है इस संसार के मायने, कई बार भूत पिता ग्रह अपना कुण सा जलम में कुण कुण को बाप गए, कुण कुण को बेटो गए, वो उठा थोड़ी है। इस जन्म में जगह को बेटो है ने, उसके अगला जन्म में वो भी को बाप बने। आ भगवान की लीला है। संगत करजे साधु की और कई नुगिरा से काम, नुगरा ले जा सी नारगी भाई संत मिला सीरा, भाई संत मिला सीरा, संत मिला वे राम ज्ञान की जा जा चोड़े, देवे साचो उपदेसी नारगी बाहर काढ़े। मंगलगिरी यूं कहते हैं और अमर बसावो धाम, संगत करनी साधु की और कई नुगिराओं से काम, और कई नुगिराओं से काम। कभी कभी संसार में मनुष्य की देही धारण करके आयो है तो कभी संगत साची कर जे, संगत करनी साधु की काई नुगरा से काम, अरे नुगरा ले जावे नारगी संत मिलावे है राम, संत मिलावे राम ज्ञान की जा जा चोड़े, देवे साचो उपदेश नारगी बारे ही काटे। के मंगलगिरी यूं कहते हैं अमर बसाओ धाम, के संगत करनी साधु की तो काई है नुगरा से काम। अच्छा नुगरा के लीलाड़ पर मोहर को लगड़ियो नुगरो एक शुगरो है, बिका चाल चलन उठा पड़े, बिका बैठवा उठवा में ठा पड़े, के आदमी नुगरा की गिनती में है या शुगरा की गिनती में है। नुगरा की सौ मोटी पहचान कहीं वे प्रेमी सजनो, के एक तो हर बात में आडी बात करे ने मंगरावाणी दिखा बड़ी जना समझ जानू को आदमी संगत में कोनी बैठेड़ो है। या गांव के मायने आपने कोई पावणू आज आए बटेऊ आज आए बिन ठाको नहीं पड़े भाई कातर जा बड़ी बस कती बजी आवे,
और गट्टा के ऊपर उबो उबो उड़ी के, अरे बठे भी न कोई नुगरू आदमी मिल जाए, अरे वो भी न पूछ ले के भाई साहब मन कातर जानू ऐसा। और बस कति बजे आवे वो तो घणो ही मीठो बोलो ना आपका न्यू, पर नुगरो वेगी वो जवाब का ही देवे क्यों तलाशी के बस के जना समझ जानू को ओ संगत में कोनी बैठेड़ो है दुबारे नहीं बतलानु नहीं टायर तलोर दे देवो। तो कहे बावड़ा मनुष्य की देही मिली आ ठुआ ठोरी कर बांध कोनी मिली है, इमिन का देही का दस धर्म हुए। अरे भाई दस धर्मा को जटता नहीं पालन नहीं करे लोग जना तू कई संसार में आयो बिन आयो बराबर है। कदे ने आयो साध संगत में कदे नहीं हरि गुण गायो, अरे पचपच मरियो है बैल की ताई तू सोई रहियो उठ खायो रे भजन बिना बावड़ा। बार अब क्योंकि देखो जठे भी कोई नई जगह जाए जना पूछण तो पड़े क्योंकि बारह कोष पर बोली बदल जाए जना रीति रिवाज भी बदल जाए। अब मन कांटा ही गांव में सरपंच खड़े हुए जगह ने कतोक जोर आवे जीत बम, वो तो गांव का ही जाने ही सरपंच ने कतोक जोर आए। अब मैं शोको शांतर बैठे मन कांटा जना पूछण पड़े जना। एक भाई साहब ने बारे मैं पूछो जी मु थे कहीं माहौल है, बोले माहौल मांगे बहुत जोर को है वो कहीं है तो बताओ तो सर क्यों माहौल आग लागे चौका तो लिया जीम चौको भोजन बनाए डो बने चौका तो लिया जीम और दस एक पंद्रह मिनट देखा लाइट उठ जाए ना तो सौ बढ़िया है नहीं धीरे धीरे चावड़ी पीर। अच्छा ओ माहौल है थेना कभी कहवे बावड़ा जद तन मिनखा दे मिली है भाई बात के संत समागम हरी कथा तुलसी दुर्लभ दो सुतदारा लक्ष्मी पापिया के भी हो ए पिछला जन्म का माठा कर्म हुए। आज डॉक्टर साहब बड़ी व्यस्तता करी है चारों कूटा तो कूलर लगाया है मोटोड़ा मोटो स्टेज बनायो है बड़ो साउंड है अरे सत्संग राखी है अरे सगड़ा गांव ने बुलाओ दीड़ो है पर प्रेमी सजनो जखा के लिखेड़ी नहीं हुए ने भी के रात ने नौ बजिया भैंस भी आवे। अब डॉक्टर साहब ने कहा भैंस भी आएगी भी के भाई पूग्यो किया को नहीं घर का तो सगड़ा जीम जीम रसो जाए अरे बिन के भैंस की नींगे राख जो जहर खा जाए ली है हम और रात बीड़िया पी पीर बटे जहर की नींगे राखे अरे सुबह डांगड़ी के माए लटकाएडो बजनिया ने सामू मिले ना ये उठाडो कर्म फूटो गुण हुए के ए पिछला जन्म का माठा कर्म नी भैंस तो दोपहर ही ब्यास कही अरे जे नौ बजे ब्याह जाए तो दस बजे पहली पहली भी की जहर भी पड़ जाए पड़ जाए कहीं बियाड़ी की कोई नहीं पड़े। तो कभी बावड़ा मनुष्य की देई पाई है ओ जन्म भी सुधार थारो आगलो जन्म भी सुधार। तो कभी बे दस धर्म कौन सा बताया के बे दस धर्मा को पालन नहीं करे तो इस संसार में तू आयो बिन आयो बराबर है। अब कभी पहलो उदाहरण देवे के जीतेड़ी बाजी हार वो कहे कान है कि हाकिम होकर न्याय नहीं जाने उनका ओदा भारी क्या। देखो हाकिम तो वे अरे न्याय करबो नहीं आवे प्रेमी सजनो ओदो मिल गो बण ओदा का बारा में जाने नहीं। जे बियाण का नगम सरपंच बना दे तो गांव का पचाई बतलावे ले भाई अब के बंदी है पांच साल की खातर मुफड़ के दजा अच्छा बस गांव का ही खोलेड़ी खुल और कोनी बा पांच साल भुगतनी पड़े क्यों के तीन साल तक तो बिनो घंटा पड़े के बीडीओ साहब खटे बैठे अरे साल डेढ़ एक बच्चे कहने जना गांव का कोनी करवा देर छह मनाली बा चार सीता लाग गया है जना गया पांच साल धूल के मायने गांव का नाली बनवाई नहीं जाने। तो कभी हाकिम होकर न्याय नहीं जाने उनका ओदा भारी क्या। अरे छतरी होकर पीठ दिखावे वो राजा छत्रधारी क्या। जलम तो छत्रियांग करा लेवे एर खंकारा के सागे जीव निकल जाए बेबी जलम्या बिन जलम्या बराबर है। जुबान जैसी मिठी जगत में जुबान जैसी खारी क्या कि चौपड़ पासा रखो बगल में जीतेड़ी बाजी हारो क्या।